माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने आज महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों राज्यों का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। इन राज्यों का हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज अगर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो उसमें इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि झारखंड में रहने वाले महाराष्ट्र एवं गुजरात के लोग यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि महाराष्ट्र महान छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महान व दूरदर्शी व्यक्तित्व संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, बारडोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन इन क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए थे। इन आंदोलनों में देश भर के लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कुशल नेतृत्व का सदैव स्मरण किया जाएगा। राज्यपाल महोदय ने कहा कि गुजरात अपनी बेहतर उद्यमशीलता के लिए भी जाना जाता है। ये उद्योगों व व्यवसायों का केंद्र बन गया है। वहीं मुंबई देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समेत कई प्रमुख वित्तीय संस्थान मौजूद है। पर्यटन के क्षेत्र में ये राज्य अग्रणीय है। उक्त अवसर पर स्वागत भाषण करते हुए माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने कहा कि महाराष्ट्र व गुजरात दोनों भाई भाई है और दोनों प्रगति के शिखर पर विद्यमान हैं। इनका सामाजिक आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर गुजराती समाज द्वारा गरबा नृत्य, मराठी समाज की श्रीमती वंदना धमोरी द्वारा भजन, उपायुक्त लोहरदगा डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया।